हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द नाल टेक्निकल जनरल। आज हम आ चुके हैं चंदा मामा मोटर्स हाजीपुर। यहाँ पे आपको महिंद्रा की 3XO अवेलेबल करा दी गई है। जो आपके सामने वाला वेरिएंट है, ये MX3 पेट्रोल में वेरिएंट है, जो बहुत ही बेहतरीन वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। आज की वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे इसका प्राइस कितना पड़ रहा है, और यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी मैंशन करेंगे, एक शोरूम कीमत कितनी पड़ेगी यहाँ पे उसके बारे में भी बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले इसके हेडलाइट की बात करें तो यहाँ पे आपको DRL दिए गए हैं जो हेडलाइट के साथ अटैच है, और यहाँ पे आपको LED प्रोजेक्टर हेडलाइट देखने को मिलेंगे, और यहाँ पे फॉग लैंप का हाउसिंग दी है, पर फॉग लैंप यहाँ पे लगा हुआ नहीं है। यहाँ पे आपको महिंद्रा का 6 स्लॉट ग्रिल देखने को मिलेगा। लोअर ग्रिल की बात करें तो यहाँ पे आपको बिल्कुल खाली खाली जगह, यहाँ पर नंबर प्लेट लगाने की जगह दी गई है, और यहाँ पे आपको एडास Level 2 टॉप मॉडल वाले वेरियंट मिलेगा। नीचे आपको सिल्वर और ब्लैक में इसकी प्लेट देखने को मिलेंगे, जो फ्रंट में काफ़ी अच्छी लगती है। इस वाले वेरिएंट में आपको फ्रंट कैमरा या पार्किंग सेंसर देखने को नहीं मिलेंगे, पर इसमें आपको सनरूफ जरूर देखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, वीडियो पूरा बने रहे तभी आपको हम बताएंगे सनरूफ के बारे में। सो फ्रेंड्स, इसके इंजन सीसी की अगर बात करें तो इसमें पेट्रोल इंजन देखने को मिलेगा, जो 1100 cc का है, 3 सिलेंडर इंजन, और जो पावर प्रोड्यूस करता है 109.96 BHP का पावर 5000 RPM में निकालता है, जो 200 Nm का टॉर्क 1500 से लेकर 3500 RPM में निकाल के देता है, जो काफ़ी बेटर है इस SUV के हिसाब से, और ये बेहतरीन 5 सीटर SUV है। और मेरे कहने का मतलब ये कि इसमें और भी इंजन आती है, जो 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन है, जो 82 kW पावर 200 Nm का टॉर्क पैदा करता है, और 1.2 लीटर का TGDI पेट्रोल इंजन देखने को मिलेगा, जो 96 kW 230 Nm का टॉर्क पैदा करता है। 1.5 लीटर का टर्बो डीजल इंजन भी देखने को मिलेगा, जो 86 kW पावर 300 Nm पर टॉर्क पैदा करता है। फ्रेंड्स, ये है महिंद्रा चंदा मामा मोटर्स की एक शोरूम प्राइस लिस्ट, आप लोग सामने देख सकते हैं डिस्प्ले पर, और ये रहा नीचे कॉन्टैक्ट नंबर सनातन जी का, जिनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उनसे बातें कर सकते हैं, और उनसे प्राइस जान सकते हैं कि ऑनर प्राइस कितना पड़ेगा चंदा मामा मोटर हाजीपुर में। और मेरे कहने का मतलब है कि वो बहुत अच्छे सर हैं, आप उनसे बात करेंगे तो आपको अच्छे खासे डिस्काउंट भी प्रोवाइड कराएंगे। सो फ्रेंड्स, आइए बिना देर के साइट प्रोफाइल के बारे में बात कर लें। साइट प्रोफाइल की अगर बात करें तो आपको सामने आपको न्यू डिज़ाइन के आपको बॉडी क्लैडिंग देखने को मिलेंगे, जो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पे आपको वंडर MRF कंपनी के टायर मिलेंगे, जो रेडियल टायर है ट्यूबलेस में, और आपको 205x65 R16 इंच में टायर मिलेंगे देखने को, और आपको इसमें टॉप मॉडल में 215x55 यानी R17 इंच के टायर देखने को मिलेंगे। सो फ्रेंड्स, इसका साइड प्रोफाइल की अगर हम बात करें, साइड में आपको महिंद्रा 3XUV 300 की तरह देखने में आपको मिलती है। सामने आपको RVM पियानो ब्लैक फेसिंग में देखने को मिलेंगे, और यहाँ पे आपको कोई 360 कैमरा देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका मिड वेरिएंट है। और आपको बॉडी कलर में आपको इसका हैंडल बार मिलेंगे, फ्रंट और रियर दोनों आप देख सकते हैं, काफ़ी प्यारे लग रहे हैं। यहाँ पे आपको डुअल की लगाने की जगह दी गई है, और यहाँ पे आपको रिमोट लॉकिंग सेंटर दिया गया है, जो काफ़ी बेटर है, आप देख सकते हैं, क्योंकि इसका जो चाबी है गाड़ी के अंदर रखा हुआ है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें, 201 mm का ग्राउंड क्लियरेंस दिया गया है। रियर में भी आपको सेम टाइट मिलेंगे देखने को, दोनों का टायर सेम साइज है, MRF कंपनी की ट्यूबलेस टायर, और इसमें आपको रियर सस्पेंशन में डिस्प्ले मेंशन कर दे रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं। और इसके थर्ड पिलर की बात करें तो थर्ड पिलर आपको पियानो ब्लैक फिनिशिंग देखने मिलेगा, और सेकंड पिलर आपको सेकंड और फर्स्ट मैट ब्लैक फिनिशिंग देखने मिलेगा, जिसमें कोई क्रोम की फिनिशिंग नहीं की गई है, आप एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन करा सकते हैं जो आपको प्यारा लगेगा। अब इसके रियर प्रोफाइल के बारे में बात करते हैं, रियर प्रोफाइल कुछ इस तरीके का है। और इसके एंटीना की बात करें तो आपको इसमें नॉर्मल एंटीना देखने को मिलेगा, और हाई माउंट स्टॉप लैंप आपको देखने मिलेगा। इसमें कोई वाइपर और डिफाइबर का ऑप्शन नहीं दिया गया है, सामने बिल्कुल खाली खाली सा एरिया लगेगा, और यहाँ पे आपको सामने महिंद्रा का लोगो, और इसके नीचे क्रोम फिनिशिंग में आपको महिंद्रा का 3XO ब्रांडिंग, जो काफ़ी प्यारा लग रहा है। यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर दिए गए हैं दोनों तरफ, तो यहाँ पे दो पार्किंग सेंसर देखने को मिलेंगे जो रियर में है, और फ्रंट में पार्किंग सेंसर नहीं दिया गया है। यहाँ पे आपको नंबर प्लेट लगाने की जगह दी गई है दो लाइट के साथ, जो काफ़ी विजिबल रहता है। ये इसका रियर बम्पर है, जो सिल्वर कलर में दिया गया है, जो काफ़ी प्यारा लग रहा है, और कुछ इस तरीके का पैटर्न इसका रियर प्रोफाइल का है, आप लोग देख सकते हैं। 3XO का लुक जो है रियर से भी काफ़ी बेहतरीन और अच्छा नज़र आता है, मस्कुलर टाइप का। और इसका फ्यूल टैंक जो है 42 लीटर का दिया गया है, जिसकी माइलेज 18 से लेकर 19 KMPL के आसपास। यहाँ पे आपको LED टेल लाइट देखने को मिलेंगे, जो रियर बाइक लाइट है, और यहाँ पे आपको रिवर्स लाइट दिया गया है दोनों तरफ सेम टू सेम, और यहाँ पर भी आपको रिवर्स लाइट दिया गया है। बूट स्पेस की बात करें तो बूट स्पेस इसका 364 लीटर का दिया गया है, जो महिंद्रा XUV 300 से काफ़ी बढ़ा दिया गया है, और कुछ इस तरीके का साइड का प्रोफाइल आप लोगों ने देखा। आइए इसके रियर डोर की तरफ चलते हैं, वहाँ देखते हैं। फ्रेंड्स, रियर डोर काफ़ी इसका बड़ा है, काफ़ी अच्छा लगा मुझे पर्सनली, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का प्रोफाइल है रियर साइड पे। यहाँ पे क्या कुछ देखने को मिलता है आइए देखते हैं। ओपन करने के लिए लॉक अनलॉक के लिए यहाँ पे स्पीकर दिया गया है, यहाँ पे आपको विंडो के कंट्रोल दिए गए, यहाँ पे आप कुछ स्पेस रख सकते हैं, और यहाँ पे आपको बॉटल होल्डर या अम्ब्रेला होल्डर कुछ भी रख सकते हैं, छोटा वाला काफ़ी अच्छा रहेगा। ये कुछ इस तरीके का पैटर्न इसका है। आइए इसके सीट कम्फर्ट की बात करें तो सीट आपको इसमें फैब्रिक मिलेंगे, जो लेदर नहीं है फिलहाल इसमें, ये फैब्रिक सीट है, जो कुछ इस तरीके का है, देखने में काफ़ी अच्छा है, कुशनिंग वाला है, मैंने दबा के इसको चेक किया था,
तो मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा, सीट काफ़ी कंफर्टेबल है। आइए इसको बैठ कर देखते हैं वाकई में ये कंफर्टेबल है या नहीं है। फ्रेंड्स काफ़ी कंफर्टेबल सीट दिया गया है यहाँ पे आपको, यहाँ पे आपको एसी वेंट देखने को मिलेंगे रियर के लिए, और रियर में आपको क्या कुछ देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको टाइप सी कुछ स्पेस दिया गया है, यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट देखने को मिलेगा, और यहाँ पे गेट ओपन करने के लिए लॉक अनलॉक फ्री स्पीकर, और यहाँ पे आपको पावर विंडो कंट्रोल, और यहाँ पे आपको कुछ स्पेस कुछ इस तरीके का है, और यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल पकड़ने के लिए कूट हॉक के साथ, और यहाँ पे आपको रीडिंग लाइट जो रात में जलने के लिए काफ़ी हेल्प करता है। ये इसका सनरूफ, मैंने सनरूफ की बात की थी, MX3 वेरियंट से ही आपको सनरूफ मिलना चालू हो जाता है, इसलिए मैंने इसका वैल्यू फॉर वेरियंट इसको नाम रखा है, काफ़ी बेटर है। आप मैनुअल भी ऑपरेट कर सकते हैं और स्विच से भी ऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सीट बेल्ट दिया गया है, और आपको यहाँ पर रीडिंग लाइट फ्रंट में भी दिया गया है, जो दो रीडिंग लाइट है दोनों को एक बार जला सकते हैं एक बार बंद कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सनग्लास होल्डर देखने को मिलेगा जो काफ़ी प्यारा है, देख सकते हैं। और ड्राइवर साइड के पास अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको वारंटी मीटर देखने को मिलेगा, पर यहाँ पे आपको वारंटी मीटर के साथ लाइट का कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है जो नॉर्मल है। ड्राइवर साइड में क्या कुछ देखने को मिलता है देख लेते हैं, तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं दिया गया है। तो फ्रेंड्स इसके आमरेस की हम बात करें तो आपको इसमें आमरेट के नीचे कुछ स्पेस दिए गए हैं, जहाँ पर मोबाइल वगैरह कुछ चार्जिंग हेडफोन वगैरह कुछ भी रख सकते हैं, काफ़ी अच्छा स्पेस है। और यहाँ पे आपको इसका हैंड ब्रेक, ये इसका गियर लीवर, और यहाँ पे आपको दो कप होल्डर देखने को मिलेंगे, कुछ इस तरीके का प्रोफाइल है इसका। आइए इसके को ड्राइवर साइड देखते हैं यहाँ पे क्या क्या देखने को कुछ मिलता है। तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का पैटर्न दिया गया है, सबसे पहले यहाँ पर आपको एसी वेंट दिया गया है, एसी का फ्लोर आप चेंज या कम कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको ग्लो बॉक्स मिलेंगे जो थोड़ा डीप है, ज़्यादा नहीं है, कम स्पेस वाला है। 10.25 इंच का इसमें आपको डिस्प्ले मिलेंगे, जो TrueDyn का ऑडियो सिस्टम देखने को मिलेगा, इसमें आपको वायरलेस चार्जिंग देखने को मिलेगा, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, बहुत सारे फीचर इसमें भर के मिलेंगे। सामने आपको यहाँ पे ट्विटर मिलेगा, गेट लॉक अनलॉक के लिए मिलेगा, स्पीकर मिलेगा, यहाँ पर आपको पावर विंडो कंट्रोल मिलेंगे, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का। और यहाँ पर आपको दो बॉटल होल्डर देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको सेफ्टी के लिए रिफ्लेक्टर देखने को मिलेंगे रेड कलर के, जो काफ़ी अच्छा होता है। आपको यहाँ पर वायरलेस चार्जिंग का पैड दिया गया है, जो काफ़ी बड़ा साइज का भी है। सो फ्रेंड्स इसमें ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलेंगे जो डुअल जोन में है, जो ड्राइवर साइड अलग सेट कर सकते हैं और को ड्राइवर साइड अलग सेट कर सकते हैं, जो काफ़ी अच्छा फीचर्स है। आइए इसके ड्राइवर साइड देखते हैं क्या कुछ मिलता है। यहाँ पे आपको पावर विंडो कंट्रोल्स देखने मिलेंगे, इससे आप मैनुअली ऑपरेट कर सकते हैं, फोल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ड्राइवर साइड विंडो जो है वन टच ऑफ वन टच डाउन है, और उसके बाद यहाँ पे आपको सेफ्टी के लिए रिफ्लेक्टर दिए गए हैं, यहाँ पे आपको दो बॉटल होल्डर रखने के लिए जगह दी गई है, और यहाँ पे आपको विंडो अनलॉक करने के लिए सारे बटन यहीं पे दिए गए हैं। सामने आपको चाबी ना आएगा अंदर देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ इस तरीके का पैटर्न है फ्रंट प्रोफाइल से, और यह सीट इसका फैब्रिक में दिया गया है, जो आप इसमें सिर्फ आगे पीछे कर सकते हैं। आइडियल स्टार्ट स्टॉप के कंट्रोल दिए गए हैं, ऊपर में आपको ट्रैक्शन कंट्रोल, यहाँ पर आपको बीम के कंट्रोल्स, यहाँ पर आपको वाइपर लाइट और हाई बीम लो बीम इंडिकेटर के कंट्रोल दिए गए हैं लेफ्ट राइट साइड में, और इसके लेफ्ट साइड में आपको वाईफाई पासिंग लाइट कंट्रोल दिए गए हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं, जो आप यहाँ इसका हॉर्न दिया गया है, यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल देखने को मिलेगा, और स्क्रीन को यहाँ से मैनेज कर सकते हैं अपने हैंडल बार से भी। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम इसका की लगाकर आपको बताएंगे, फिलहाल आज लोग बहुत ज़्यादा थे इसलिए हम वीडियो बनाने में थोड़ा दिक्कत हो रही थी, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में हम इसके मीटर के बारे में बात करेंगे। सो फ्रेंड्स कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड प्रोफाइल आप लोगों ने देखा। फ्रेंड्स आइए अब इसके सेफ्टी के बारे में हम पता कर लेते हैं कि सेफ्टी में क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। नीचे आपको एक्सेलरेटर ब्रेक क्लच कंट्रोल दिए गए हैं, अगर आप ऑटोमेटिक लेते हैं तो ऑटोमेटिक में आपको एक चीज़ इसमें कम हो जाएगा, जिसका नाम है क्लच। तो फ्रेंड्स आइए इसके सेफ्टी के बारे में हम बात कर लेते हैं। सेफ्टी में आपको एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिलेगा, सेंटर लॉकिंग देखने को मिलेगा, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, और इसमें 6 एयरबैग आपको बेस मॉडल से ही 6 एयरबैग देखने को मिलेगा, और इसमें डे एंड नाइट रियर व्यू मिरर देखने को मिलेगा, कॉटन एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स, सीट बेल्ट वार्निंग देखने को मिलेगा, डोर अजार वार्निंग, और इसमें इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, स्पीड अलर्ट, स्पीड सेंसिंग, ऑटो डोर लॉक देखने को मिलेगा, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट देखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, महिंद्रा 3XO MX वेरिएंट पेट्रोल के बारे में। फ्रेंड्स ये सबसे वैल्यू फॉर वेरिएंट है जो आपको परचेज करना चाहिए, क्योंकि ये कार अच्छा है, आपको सनरूफ भी ऑफर करती है, और सारे फीचर जो होती है सेफ्टी के हिसाब से सारे को ये फुलफिल कवर करती है। सो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पहली बार विजिट करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में नई गाड़ी के साथ, आज के लिए फिलहाल बस इतना ही, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।